तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खा रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले चने की सब्जी की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सब बेसिक चीज़ें ली हैं जो घर पर अवेलेबल हो जाती हैं। नमक मिर्च मसाले, इसके अलावा ज़्यादा हम स्पाइसी मसाले यूज़ करने वाले हैं नहीं, बिकॉज हम खाते भी नहीं हैं ज़्यादा मसालेदार सब्जी। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी। चलो दिखाते हैं आपको अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें कुकर में डाल देना है सब्जी, आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। सबसे पहले डाल देंगे ऑयल, उसके बाद डाल देना है जीरा और थोड़ी सी दालचीनी, डाल देने हैं प्याज। प्याज को यहाँ मैंने अच्छे से बारीक चॉप किया है। प्याज हो चुके हैं हमारे हल्के ब्राउन, ये देखिए, और उसके बाद डाल देने हैं टमाटर। तब तक टमाटर पकते हैं तब तक बना लेते हैं हम एक अच्छा मसाले का पेस्ट। मैंने यहाँ पर ली है एक कप दही। सबसे पहले दही में ऐड कर देना है नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मसाले का एक अच्छा पेस्ट बनकर रेडी है। इससे सब्जी में जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी आती है। इसको हम फ्राई पनीर की सब्जी, शाही पनीर की सब्जी, सब सब्जियों में बनाकर डाल सकते हैं। टमाटर जो हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इसमें डाल देंगे अपना बनाया हुआ दही वाला पेस्ट। आलू को काट लेना है नाइफ के साथ। तो गाइस सब्जी बनकर है हमारी रेडी। देखिए कितना प्यारा जो कलर आया है और कितनी गाढ़ी और मसालेदार सब्जी बनी है हमारी। तो इसमें इसको गार्निश करते हैं धनिए के साथ और सर्व कीजिए चपाती के साथ, चावल के साथ। हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की जो है कोशिश करें। हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है और ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करते हैं। मेरे चैनल का सिर्फ यही बेनिफिट है आप लोगों को। बनाना सिखाया जाएगा, ये देखिए सब्जी देख कर ही आप बता सकते हैं किसी मसाले वाली सब्जी से कम नहीं है। थैंक यू। और थोड़ी सी बाद में डाल देते हैं हम कसूरी मेथी, इसकी खुशबू बहुत ही अलग होती है।